नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट जेकेपी सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप जेकेपी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ऑनलाइन आपने अप्लाई कर दिया है तो आपके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ रही है, आपको यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आपसे अनफॉर्चुनेटली आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करते समय कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग एंटर हो चुकी है तो जीकेएसएसबी आपको जहां पे लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए जहां पे आज जीकेएसएसबी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाला है तो सब्जेक्ट में आप जहां पे क्लियरली देख सकते हैं एडिट ऑप्शन फॉर कैंडिडेट्स, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जहां पे जेकेएसएसबी एक एडिट ऑप्शंस एनेबल करने जा रहा है हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट एडवर्टाइज्ड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 06 ऑफ 2021 जो कि 21 अक्टूबर 2021 को निकाली गई थी। तो जहां पे आप देख सकते हैं उन सभी कंसर्न कैंडिडेट को जहां पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न एडिट ऑप्शंस विच वाज हॉल्टेड, जो कि कुछ समय के लिए जेकेएसएसपी ने उसे 23 दिसंबर 2021 को क्लोज कर दिया था क्योंकि जेकेएसएसपी ने एक बार फिर से जेकेपी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस का लिंक लाइव किया था तो उसके चलते जेकेएसएसपी ने उसके एडिट ऑप्शन को थोड़े टाइम के लिए क्लोज किया था। तो जहां पे आप देख सकते हैं जेकेएसएसपी उसे फिर से रिज्यूम करने जा रहा है जो कि 29 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 2021 तक आप अपनी एप्लीकेशन में कोई भी प्रकार की जो एडिट है उसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहां पे आप देख सकते हैं फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एप्लीकेशन जो कि जेकेएसएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें इस बात की भी क्लैरिफिकेशन दी गई है, इट इज फर्दर नोटिफाइड दैट कैंडिडेट्स हुज सिग्नेचर एंड फोटोज आर नॉट विजिबल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले लिया है और आपके सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ वहां पे क्लियरली शो नहीं हो रहा है तो आप फिर से अपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको एडिट ऑप्शन पे के जो लिंक आएगा उसी पे क्लिक करके आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को फिर से अपलोड कर सकते हैं। आज की डेट में जहां पे जेकेएसएसपी ने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को निकाला है, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी एस्पिरेंट्स को पता चल सके कि एडिट ऑप्शन एनेबल हो गया है और वो भी कुछ दिन के लिए ही जेकेएसएसपी उसे एनेबल करने जा रहा है और ये आपके लिए सबसे लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद जेकेएसएसपी फिर आपको कोई एडिट ऑप्शन का जो भी लिंक है वो प्रोवाइड नहीं करवाएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहता हूं, छोटी से छोटी अपडेट मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी अपडेट करता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।